Hello and welcome to this one of the final lectures in this series. It is a very important lecture because it's exam time, and I hope you'll be listening with full concentration. First lecture is about social control and deviance. This is very, very, very easy. I've already defined it. ये जो है बहुत ज्यादा easy topic है, social control or deviance. समाजी control और फिर उससे deviance करना जो है, ये जो है social norms, values और social जो institutions हैं, family, religion, इससे बहुत ज्यादा related है. बल्कि socialization जो टॉपिक है उससे भी बहुत ज्यादा रिलेटेड है. इसके अलावा जो है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, तो ये सब से जो है कनेक्टेड है. पहली बात तो ये है कि सोशल कंट्रोल क्या है. ये एक मैकेनिज्म है, अटेम्प्ट है, सिस्टम है सोसाइटी का. ठीक है, सोसाइटी का एक मैकेनिज्म है जिससे सोसाइटी हमारे बिहेवियर को कंट्रोल या रेगुलेट करता है. ठीक है, हमें एक खास तरीके से हमें बताता है कि आपने एक खास स्टैंडर्ड से अपना रवैया रखना है. ठीक है, इस टाइम आपने उठना है, इस टाइम आपने सोना है, इस टाइम जो है आपने क्लास लेना है, इस टाइम आपने नमाज पढ़नी है, इस टाइम आपने खाना खाना है. ठीक है, और जुम्मे के दिन जो है आपने नमाज पढ़ने जाना है, साल में एक बार जो है हज करना है, या इवन फॉर अदर रिलीजन्स चर्च जाना है, टेम्पल जाना है, दिवाली है, होली है, ईद है, वगैरह वगैरह. एंड इट्स मैरी क्रिसमस इज आल्सो कमिंग इन अ फ्यू इन वन मंथ. तो इसके दो जो है टाइप्स हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. फॉर्मल जो है ऑब्वियसली लॉज हैं, रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. ठीक है, स्टेट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के. ठीक है, अक्सर स्टेट यानी रियासती इदारे, जिसमें आपका कॉलेज भी आता है, यूनिवर्सिटी भी आती है, पुलिस, जुडिशरी वगैरह, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट स्कूल हो गया, प्राइवेट कंपनी हो गई, बैंक हो गई, उसके भी अपने रूल्स होते हैं कि एम्प्लॉयज ने जो है 9 बजे आना है, ये करना है, वो करना है, ये यूनिफॉर्म है स्कूल का. इनफॉर्मल जो है ये अनरिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, और ज़रूरी नहीं है कि ये जो है फॉर्मल से थोड़ी कमज़ोर हो. अक्सर जो है ये ज़्यादा इंटेंस भी हो सकती हैं. फोकवेज यानी गली किसी इलाके के रूल्स एंड रेगुलेशंस, कन्वेंशन जो है रवायात को कहते हैं. फॉर एग्जांपल, कन्वेंशन का एग्जांपल ये है कि क्वीन जो है लीगली जो है वो सॉवरन है. ठीक है, यूके में जो क्वीन एलिजाबेथ है, अभी तक वफात नहीं हुई. पता नहीं कितने साल की होगी, 100 साल से तो ज्यादा उसका हो गया. लेकिन कन्वेंशन यूके में ये है कि क्वीन जो है वो वज़ीर-ए-आज़म जो ऑर्डर देगा तो, या बिल जो पार्लियामेंट पास करेगा तो सिर्फ उस पे साइन करेगी. तो ये कन्वेंशन है. मोर्स कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. मोरीज तो आपको पता है, अखलाकियात वगैरह of cultures and social groups. Acha, why social control? What is the reason behind social control? To maintain social order. Social order se hamari murad ye hai ke samaj mein jo hai ek script ho, ek set, jis tarah drama mein ek script hota hai, theek hai, actors ko diya jata hai ki aapne ye dialogues yaad karne, to isi tarah jo society ke members hain isko ek script diya jata hai. एक पहले से जिस तरह कोर्स कंटेंट्स हमारे होते हैं, तो इसी तरह ये दिया जाता है कि ये आपने पढ़ाना है, इस तरह आपने करना है. तो ये जो फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, ये समझता है कि स्मूथ फंक्शनिंग के लिए है, और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जो आपने पढ़ा है, ये समझते हैं कि नहीं, ये डोमिनेशन ऑफ द अपर क्लास ओवर द लोअर क्लास है. ठीक है ना, कुछ लोग कहते हैं कि सोशल कंट्रोल अच्छी चीज है क्योंकि ये जो है स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है. कुछ लोग समझते हैं कि नहीं भाई, ये तो अमीर और जो अशराफिया तबका है, ये गरीबों को या मजलूमों को जो है कंट्रोल करने के लिए, बेवकूफ़ और उल्लू बनाने के लिए जो है
ये यूज करते हैं। अच्छा, फिर एजेंसी जो है, आपको पता है फैमिली से शुरू होती है। गरीब जो है, गरीब अपने बच्चे को शुरू से ही मारता है, उसको पता है कि इसने वैसे भी वो बड़े होकर जो है मार खानी है, पुलिस से मार खानी है, हर जगह इसने गाली खानी है। तो आपने देखा होता है कि गरीब के घरों में जो है हर वक्त गालियां वगैरह होती हैं, ठीक है। वो गालियां तो मैं दे नहीं सकता। जो अमीर लोग होते हैं तो वो अगर गालियां भी देते हैं तो इंग्लिश की देते हैं, ठीक है। ओ बेबी डोंट डू दिस, बेबी यू हैव हर्ट मी सो मच, तुम ये क्यों कर रहे हो, यू आर माई सच अ लवली लवली डॉटर या सन, ठीक है। अच्छा, रिलीजन से भी जो है कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया यू कैन नॉट ईट अ काउ, ठीक है। स्कूलिंग स्कूलिंग से जो है दिमागी इंजीनियरिंग नए नस्ल की होती है, कि पाकिस्तान किसने बनाया, कायदे आजम ने बनाया, या अमेरिकन को कहते हैं कि वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन वॉज द फाउंडिंग फादर ऑफ अमेरिका। फिर पुलिस, आर्मी वगैरह, मीडिया, मीडिया से कंट्रोल किया जा सकता है। नॉम चॉम्स्की का लेक्चर जो है वो आप दोबारा सुन ले, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में। और लिटरेचर, लिटरेचर जो है ये रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी होती है, तो इससे भी कंट्रोल किया जाता है लोगों के जहनों में। इसमें मजहबी लिटरेचर भी आता है, इसमें शायरी भी आती है, ठीक है, नेशनल लिटरेचर भी आता है। फिर मेथड्स जो है जोर जबरदस्ती से भी कर सकते हैं, एग्जाइल एक्सक्लूजन से भी कर सकते हैं, रेडिक्यूल, रेडिक्यूल कहते हैं तौर पे गौर देना, यानी दाव को रसूना बेगैरत है, हम पश्तों में कहते हैं तौर पे गौर। पे गौर कहते हैं कि आप किसी को याद दिलाएं कि कितना बुरा काम आपने किया है, ठीक है, बेगैरती का काम आपने किया है। गॉसिप जो है जोक का मारते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हंसते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। ओए तुम्हें पता है उसने दूसरी शादी कर ली है, तीसरी भी कर ली है और चौथी की सोच रहा है। अच्छा, तो सेंसर जो होता है वो यानी कंडेमनेशन होती है, जिस तरह फतवा होता है कि आप पब्लिकली किसी को कंडेम करते हैं कि फलाना जो है इसको मैंने, ये मेरा बेटा जो है इसको मैंने आग कर लिया है खुदा ना ख्वास्ता, या फलाना बंदा जो है इस पर खुदा ना ख्वास्ता। अक्सर इस तरह भी होता है कि ये काम अगर किसी ने किया तो उसका जो है निकाह जो है वो ख़त्म हो गया और वो दोबारा जो है निकाह पढ़वाए। तो इस किस्म के जो है हालात होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद डिवियंस, डिवियंस जो है ऑब्वियसली सोशल कंट्रोल की वायलेशन है, बहुत इजी फॉर्मल उसे कहते हैं जिसमें आप लॉ की वायलेशन करते हैं, यानी क्राइम भी इसे कहते हैं, ठीक है। क्राइम, अगर आप कानून तोड़ते हैं, कानून, तो कानून जब आप तोड़ते हैं तो आप मुजरिम कहलाते हैं, ठीक है। जब आप पर शक होता है तो आप मुलजिम होते हैं, जब आप अदालत में जो है आप पर जुर्म साबित हो जाता है तो फिर आप मुजरिम बन जाते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल ये कि आपने माशरे के नॉर्म्स, टैबूज, वैल्यूज को आपने वायलेट किया, तो इनफॉर्मल डिवियंस हो गई। अच्छा, डिवियंस जो है जरूरी नहीं है कि नेगेटिव हो, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। जिस तरह इनोवेशन, आपने जो है कोई नई चीज दरियाफ्त कर ली, ठीक है, लोग कहते हैं ओ तू पागल हो गया, ओ पागल के पुत्र इस तरह ना कर, लेकिन जो है आप अपनी जो इजादात हैं, जो नए नए सोच हैं, तो वो जारी रखते हैं। जिस तरह गैलीलियो को लोगों ने पागल और काफिर कहा, ठीक है, ईसाई पादरियों ने, कि ये भाई काफिर हो गया है, सन तो अर्थ के गिर्द घूमता है, अर्थ कहाँ से भाई आ गया सन के गिर्द घूमने, या जो है इस तरह के वाकयात होते हैं, ठीक है। या पैगंबर आज, या फलसफियों को भी, जिस तरह सुकरात भाईजान को जो है उन्होंने जहर दे दी थी, या इवन क्राइम जो है, एक एरा में क्राइम होता है लेकिन दूसरे एरा में, दूसरे वक्त में, या दूसरे इलाके में जो है वो हीरोइक एक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब पुराने जमाने में जो लोग इस तरह के भी लोग होते थे, जिसमें जॉन ब्राउन बहुत ज्यादा मशहूर था, तो वो जॉन ब्राउन जो था वो स्लेव्स को जो है वो फ्री करता था, ठीक है। तो स्लेव्स को फ्री करना उस दौर में कानून की खिलाफ वर्जी थी। किस तरह भाई
कि जो है पहले अमेरिका में ये ला था कि आपने अपने मास्टर को नहीं छोड़ना, लेकिन अभी जो है वो लोग हीरो हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट ब्रेक लेता हूँ, इसको ज़रा बंद करता हूँ और कलेक्टिव बिहेवियर जो है इसको शुरू करते हैं। ठीक है।